हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना चैनल आप पढ़ेगा इंडिया पे। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं लूसेंट समान ज्ञान का जो सीरीज चलाई जा रही है उसका चैप्टर नंबर 3 मौर्यकाल। इसका कार्य अवधि है 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व। इससे पहले भी इसके पिछले जो चैप्टर हैं वो अपलोडेड हैं और अभी तक आप लोग अगर वो चैप्टर नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। लूसेंट का ये सीरीज आपके किसी भी एग्जामिनेशंस में जिसमें कि जीएस पेपर होते हैं काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है चाणक्य का अन्य नाम था, तो चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी था, इनका नाम विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य भी था। मौर्य कौन थे चाणक्य? तो मौर्य वंश के महामंत्री थे और यह तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य भी थे। इन्होंने ही यानी चाणक्य ने ही नंद वंश को विनाश कर चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया और उसके महामंत्री बने चाणक्य। आगे देखेंगे सेकंड नंबर, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जाती है कौटिल्य का अर्थशास्त्र से। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है यह कौटिल्य द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है जिसमें कि यानी कि अर्थशास्त्र में राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय, राजनीति का वर्णन मिलता है। अर्थशास्त्र पुस्तक का नाम है लेकिन इसमें वर्णन मिलता है राज्य व्यवस्था का, राजनीति का एवं न्याय का। आगे देखेंगे थर्ड नंबर, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो यह बड़े भाई की हत्या की थी अशोक ने। फोर्थ नंबर, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो यह अशोक की दूसरी पत्नी थी चारुलता नहीं, इसका डी होगा, कारुबाकी। कौन थी यह उसकी दूसरी पत्नी? कारुबाकी, जिससे कि अशोक प्रभावित हुआ था। आगे देखेंगे फाइव नंबर, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो यह प्राकृत की कौन से भाषा का प्रयोग किए थे? यह था मागधी। मागधी भाषा का उल्लेख महावीर और बुद्ध के काल में भी मिलते हैं, जैसे कि महावीर का उपदेश भी इसी भाषा में यानी अर्धमागधी, मागधी का ही रूपांतरित भाषा है अर्धमागधी प्राकृतिक, तो उसमें ही यानी कि अर्धमागधी में ही महावीर के उपदेश भी मिलते हैं और त्रिपिटक में भी भगवान बुद्ध के उपदेश को मागधी कहा गया है। आगे देखेंगे सिक्स नंबर, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो यह अशोक को भेजा था तक्षशिला, जो कि वर्तमान के पाकिस्तान में तक्षशिला है। आगे देखेंगे सेवन नंबर, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? तो इसका सही आंसर होगा प्रियदर्शी नाम मिलता है अशोक का, ए नंबर। आठ नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से प्राचीन राजवंश कौन सा था? तो सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा था? मौर्य वंश, जिसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। नाइन नंबर देखेंगे, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चाणक्य अभी हमने डिस्कस किया है, ये प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो यह किस धर्म को अंगीकार किए थे? बौद्ध धर्म को। अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार उसने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, जब उसका राज्याभिषेक हुआ था उसके 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा था जिसमें कि वह विजय रहा।
लेकिन कलिंग युद्ध ही मौर्य साम्राज्य का पतन का कारण भी बना था। और कलिंग युद्ध हुआ कब था? तो ये हुआ था 262-261 ईस्वी पूर्व में हुआ था कलिंग युद्ध। आगे देखेंगे 11 नंबर, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी, यानी चंद्रगुप्त को किसने मदद की थी? तो इसके मदद किए थे चाणक्य, इसके शासन को विस्तार में मदद किए थे चाणक्य। आगे देखेंगे 12 नंबर, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो सांची जो है बौद्ध का, किसका निरूपण करता है? बौद्ध का। आगे देखेंगे 13 नंबर, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, तो यह जैन धर्म को अपनाया था अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो स्वामी भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला गए और वहीं पर उपवास कर अपना शरीर का त्याग किया, और जिस पहाड़ी पर रहते थे, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जिस पहाड़ी पर रहते थे उसका नाम था चंद्रगिरी। क्या नाम था उसका? चंद्रगिरी। और इसी पहाड़ पर, यानी कि चंद्रगिरी पहाड़ पर ही उन्होंने एक मंदिर बनवाया था जिसका नाम था चंद्रगुप्त बस्ती। मंदिर का क्या नाम था? चंद्रगुप्त बस्ती। आगे देखेंगे 14 नंबर, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल है 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व था इनका शासन काल। और चंद्रगुप्त मौर्य ही प्रथम हिंदू सम्राट थे। प्रथम हिंदू सम्राट कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और इन्होंने ही पूरे भारत को साम्राज्य के अधीन, यानी पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे थे, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देखेंगे 15 नंबर, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो इसमें प्रचलित मुद्रा का नाम था पन। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो मौर्य वंश का शासक इनमें से नहीं है, वो है अजातशत्रु। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, ये तीनों मौर्य वंश के शासक हैं, अजातशत्रु मौर्य वंश के शासक नहीं है। और अजातशत्रु कौन थे? यह बिंबिसार, बिंबिसार का पुत्र थे जिन्होंने अपने पिता को मारकर राजगद्दी प्राप्त किया था। और अजातशत्रु ने ही अंग, लिच्छवी, बज्जी, कौशल, काशी ये सब जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। आगे देखेंगे 17 नंबर, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल। अशोक के मृत्यु के बाद 50 वर्षों तक निर्बल उत्तराधिकारी रहने के कारण मौर्य काल समाप्त हो गई थी। आगे देखेंगे 18 नंबर, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाखदत्त। कौन है? विशाखदत्त। और इसकी रचना कब हुई थी? चौथी सदी में। मुद्रा राक्षस के रचना हुई थी चौथी सदी में, और इसमें वर्णन किया गया है चाणक्य के राजनीतिक सफलताओं का, इसमें वर्णन किया गया है। आगे देखेंगे 19 नंबर, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है, तो इसकी विषय वस्तु क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार के दुर्विसंगियों के बारे में। 20 नंबर, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? तो पहली बार जीते थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बहुत ही विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, वो था मौर्य वंश। इसका जो क्षेत्र था उत्तर पश्चिमी में ईरान से लेकर दक्षिणी में उत्तरी कर्नाटक तक, अगर पूर्व की बात करें तो पूर्वी में मगध से लेकर के पश्चिम में सोपारा तथा महाराष्ट्र तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। लगभग पूरे इंडिया में
इनका साम्राज्य फैला हुआ था। आगे देखेंगे 21 नंबर, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो यह राजवंश की स्थापना की थी अशोक ने। अशोक ने अपने प्रथम अभिलेख में क्या स्थापित किया है? तो इन्होंने प्रथम अभिलेख में कहा है सभी मनुष्य मेरे संतान हैं। दूसरा ऑप्शन है अकबर। अकबर ने 1582 ईस्वी में सभी धर्मों के सार संग्रह के रूप में दीन ए इलाही की घोषणा की, यानी कि 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही की घोषणा की थी। शिवाजी मराठा शासक थे। आगे देखेंगे 22 नंबर, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो अशोक के शिलालेख नहीं है पाटलिपुत्र में। आगे देखेंगे 23 नंबर, अर्थशास्त्र के लेखक समकालीन था? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो कि चाणक्य थे वो समकालीन थे चंद्रगुप्त मौर्य के। 24 नंबर देखेंगे, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के पश्चात मौर्य वंश, घनानंद को नंद वंश के अंतिम शासक थे, उनके बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई। 25 नंबर, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वो था तक्षशिला। तक्षशिला सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। बौद्ध साहित्यों से ज्ञात होता है कि तक्षशिला जो था, तक्षशिला विश्वविद्यालय था, वो धनु विद्या और वैदिक शिक्षा के लिए संसार में प्रसिद्ध था उस टाइम। और नालंदा में जो नालंदा विश्वविद्यालय था, यह शिक्षा का केंद्र के रूप में स्थापित हुआ है गुप्त काल में। यह कब विकसित हुआ है शिक्षा के केंद्र के रूप में? तो वो है गुप्त काल में, और मौर्य काल में तक्षशिला। आगे देखेंगे 26 नंबर, मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज का जो पुस्तक है, इनके पुस्तक का लेखक है एंडिका। मेगास्थनीज जो थे वो ग्रीक लेखक थे, और मौर्य काल में इनके लेख का उल्लेख हुआ है। मौर्य काल में इन्होंने लिखा था इंडिका। आगे देखेंगे 27 नंबर, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? तो वह कौन है? विशाखदत्त। विशाखदत्त का कौन सा है पुस्तक? तो विशाखदत्त का है मुद्रा राक्षस, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य के विषय में वर्णन किया गया है। बी ऑप्शन है शूद्रक। शूद्रक द्वारा रचित है मृच्छकटिकम नाटक। क्या है? मृच्छकटिकम, जो कि गुप्तकालीन सांस्कृतिक एवं गुप्तकालीन इतिहास के बारे में इसमें जानकारी मिलती है मृच्छकटिकम में। डी ऑप्शन है अश्वघोष। अश्वघोष के है बुद्ध चरितम, इसमें कनिष्क के विषय में हमें जानकारी मिलती है अश्वघोष से। आगे देखेंगे 28 नंबर, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? तो पाटलिपुत्र पुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है मेगास्थनीज के एंडिका में। इसमें पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा, क्या है? पॉलीब्रोथा कहा गया है। 29 नंबर, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? तो अशोक के शिलालेखों में पाली भाषा का उपयोग किया गया है। अधिकांश अभिलेख है जो ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है, इसकी भाषा है पाली और लिपि है ब्राह्मणी। आगे देखेंगे 30 नंबर, निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन की विजय प्राप्त की थी चंद्रगुप्त मौर्य। 31 नंबर, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। इसका सही आंसर होगा डी नंबर। 32 नंबर, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसके अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियां पे प्रकाश डाला गया है। 33 नंबर, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था?
तो यह था श्रीलंका, श्रीलंका का क्षेत्र था जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। श्रीलंका में केवल धम्म के प्रचार के लिए प्रचारकों को इन्होंने भेजा था। आगे देखेंगे 34 नंबर। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो सर्वप्रथम राजधानी बनाई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। कनिष्क, डी ऑप्शन कनिष्क है। तो यह बौद्ध बौद्ध धर्म के महायान शाखा, बौद्ध धर्म का जो महायान शाखा है उसके अनुयायी था, और इसकी राजधानी थी पुरुषपुर, यानी कि वर्तमान की पेशावर इसकी राजधानी थी, और इसकी दूसरी राजधानी बनाई थी मथुरा में। चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी कश्मीर के कुंडन वन में, यह कनिष्क के समय में ही हुआ था। आगे देखेंगे 35 नंबर। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो चंद्रगुप्त का महल बना था लकड़ी का। मेगास्थनीज के विवरण से पता चलता है, यानी कि मेगास्थनीज का जो इंडिका है उसमें पाटलिपुत्र का वर्णन किया गया है, तो उससे ही पता चलता है कि चंद्रगुप्त के महल लकड़ी का बना हुआ था। आगे देखेंगे 36 नंबर। बराबर, जो कि जहानाबाद जिले में है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो यह आजीविकों द्वारा आश्रय गृह के रूप में उपयोग किया जाता था। 37 नंबर। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो पश्चिम भारत तक फैला हुआ था यह पता चलता है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। इससे ही पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्यपाल पुष्यमुत, क्या था, राज्यपाल पुष्यगुप्त की सहायता से यहाँ एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। आगे देखेंगे 38 नंबर। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो मगध का सम्राट बताया है इन्होंने बाबरू स्तंभ में। 39 नंबर सुमेलित करना है सूची 1 सूची 2 से। फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त को क्या कहा जाता था, सेंड्रोकोटस। बी ऑप्शन है बिंदुसार, तो बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता था। अशोक, अशोक को प्रियदर्शी, और चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। आगे देखेंगे 40 नंबर। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था, तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। 41 नंबर। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, तो उत्तरांचल में कौन सा स्थित है, कालसी। कालसी जो है जो उत्तरांचल में देहरादून के कालसी में स्थित है, यह उत्तर भारत का एकमात्र शिलालेख है, और इसमें लेखों का भाषा है प्राकृतिक, क्या है, इसकी भाषा है प्राकृतिक और लिपि है ब्राह्मणी। कहाँ है, देहरादून में। आगे देखेंगे 42 नंबर। सांची का स्तूप किसने बनवाया, तो सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। 43। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो इनके शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज थे जेम्स प्रिंसेप, जो 1837 ईस्वी में पढ़ा था इनके शिलालेखों को। 44 नंबर। कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है, तो यह अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है कलिंग युद्ध के विजय के बारे में वर्णन। 45 नंबर। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे, तो जो मेगास्थनीज थे वो भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। मेगास्थनीज थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, और
यह यूनान के एक राजदूत थे जो 304 ईस्वी पूर्व से 299 ईस्वी पूर्व तक भारत में रहे थे। 46 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो यह सेल्यूकस को पराजित किए थे 305 ईस्वी पूर्व में। 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो जनता के संपर्क में रहता था वो था अशोक। 48 नंबर, अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो यह कलिंग को जीतने के बाद भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए यह त्याग दिया, यानी कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने युद्ध की नीति को त्याग कर दिया था। आगे देखेंगे 49 नंबर, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो इनकी अधिकांश अभिलेख है जो प्राकृत भाषा में मिलती है और लिपि इसकी ब्राह्मी मिलती है। तो सही आंसर होगा ए नंबर, प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि। 50 नंबर, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिशल, यानी ब्रिशल का मतलब होता है निम्न कुल, निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो यह प्रयोग किया गया है मुद्रा राक्षस में। कहाँ किया गया? मुद्रा राक्षस में ब्रिशल का प्रयोग किया गया है। ब्रिशल का अर्थ होता है निम्न कुल। 51 नंबर, मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। तो मौर्य नरेश के बारे में कथन सही है वो है ए नंबर, संस्कृति कला साहित्य का विकास किया था, बिल्कुल सही है। प्रांतीय विभाजन ये भी सही है। और डेन सोने के सिक्के इन्होंने नहीं चलाए थे मौर्य नरेश ने, हिंदू कुश तक इसका साम्राज्य था, यानी कि 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी 1, 3 और 4 इसका सही है। 52 नंबर, कथन ए है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। सही बात है, कलिंग के युद्ध हुआ था उसके बाद मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण आर है कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता है, ये भी सही है। तो दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। 53 नंबर, अशोक के जो शिलालेख संगम राज के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है, तो उसमें अशोक के अभिलेख शामिल है 2 और 13वां, ये हमें संगम राज अर्थात संगम राज कौन कौन से थे, तो चोर चोल चेर पांड इसकी जानकारी हमें मिलती है। और यह है 2 यानी 13वां, 2 एवं 13वां। इसका फर्स्ट ऑप्शन है पहला, तो पहला अभिलेख में इन्होंने पशु बलि की निंदा की है। क्या की है? पशु बलि की निंदा की है पहला अभिलेख में। 10वां में, तो 10वां में इन्होंने ख्याति गौरव की निंदा की है, ख्याति और गौरव की निंदा की है। 11वां में, 11वां अभिलेख में इन्होंने धर्म की नीतियों की व्याख्या किया है। और 14वां में इन्होंने जनता को धार्मिक जीने के लिए प्रेरित किया है। इस तरह से इसके सारे अभिलेख के बारे में जानना जरूरी है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 54 नंबर, कथन ए है अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी, बिल्कुल सही है। आर है उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया था, ये भी बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। 55 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम यानी अशोक का उल्लेख मिलता है? तो यह मिलता है मास्की अभिलेख में। यह मास्की अभिलेख है जो आंध्र प्रदेश के रायचूर जिले में स्थित है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश के रायचूर जिले में, और इसमें ही इनका व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है। आगे देखेंगे 56 नंबर, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है?
तो इसमें से कौन सा गलत है? इन पर बढ़िया पॉलिश है, सही है। ए अखंड है, ये भी सही है। स्तंभों का शाफ्ट शुंडाकार है, ये भी सही है। ए होगा डी नंबर इसका आंसर। ए स्थापत संरचना के भाग है, ये इनके बारे में गलत है, इनके स्तंभों के बारे में ये गलत है। आगे देखेंगे 57 नंबर। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना किया था अशोक ने। 58 नंबर, सूची 1 में है प्रांत और सूची 2 में है राजधानी। ए नंबर है उत्तरापथ, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला। दक्षिणापथ, दक्षिणापथ का स्वर्णगिरी। अवंती राष्ट्र, अवंती का राजधानी उज्जैनी। और प्राची यानी पूर्वी प्रदेश, तो पूर्वी प्रदेश में पाटलिपुत्र। आगे देखेंगे 59 नंबर। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो शूद्रों के लिए आर शब्द का प्रयोग हुआ है वो है अर्थशास्त्र में। सही आंसर होगा ए नंबर, अर्थशास्त्र। 60 नंबर, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोथ के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था उपगुप्त से। 61 नंबर, किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा था? तो पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा था मेगास्थनीज ने अपने इंडिका पुस्तक में। 62 नंबर, मौर्य काल में अग्रोनोमाई किसे कहा जाता है? जिसमें कहा जाता था सड़क निर्माण अधिकारी को, एग्रोनोमाई बी ऑप्शन। 63 नंबर, मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था? इसमें गुप्तचरों को कहा जाता था गुड़ पुरुष, क्या होगा गुड़ पुरुष। 64 नंबर, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य साम्राज्य अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? तो यह कौन था? तीस ने अपने आप को अशोक के सम्राट ढालने की कोशिश किया था, वो थे तीस। 65 नंबर, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो यह मिलता है परिशिष्ट पर्वन। 66 नंबर, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष प्रारंभ होता है? तो यह होता है आषाढ़ यानी कि जुलाई से। 67 नंबर, निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो ये किया गया है चोल, पांड, सत्यपुत्र और विष्णुकुंड नहीं, केरल पुत्र। यानी कि इसका सही आंसर ए नंबर 1, 3, 4 और 5। आगे देखेंगे 68 नंबर, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इनके बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या होगा? शिलालेख। बहुत सारे शिलालेख इन्होंने बनवाए थे, तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होगा शिलालेख। 69 नंबर, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? तो दक्षिण भारत में कौन सी लिपि प्रवर्तित हुई थी? वह थी ब्राह्मी लिपि। 70 नंबर, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में किस देश में यह पाया गया है? तो यह भारत से बाहर अफगानिस्तान में भी पाया गया है। आगे देखेंगे 71 नंबर से, अत्यंत पॉलिश किए गए एकास्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंगित बालुकास्म के एकल टुकड़े से तक्षित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया था? तो यह निकाला गया था मिर्जापुर के समीप चुनार के खदानों से। 72 नंबर,
भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? तो यह कहा गया था मेगास्थनीज के द्वारा, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते। 23 नंबर, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस वन से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो यह किया था बिंदुसार। 24 नंबर, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होगा इनका 13वां बृहद शिलालेख। 25 नंबर, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो अशोक था उस टाइम उज्जैन के, उज्जैन प्रांत के गवर्नर थे। आगे देखेंगे 67 नंबर, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? ते इनका 5वां बृहद शिलालेख। 27 नंबर, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो यह होगा कलिंग युद्ध का पृथक शिलालेख। 28 नंबर, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है, किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? तो यह कहा था उन्होंने छठवें शिलालेख में। 29 नंबर, निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों के नाम बताता है? तो यह होगा अवरोधी क्रम में। तब सबसे पहले होगा प्रादेशिक, प्रादेशिक का मतलब होता है जिलाधिकारी, प्रादेशिक का मतलब क्या होता है? जिला अधिकारी। दूसरे नंबर पे होगा राजुक, राजुक का मतलब होता है भूमि की पैमाइश करने वाला एवं न्यायिक अधिकारी। भूमि की पैमाइश करने वाला एवं न्यायिक अधिकारी को क्या कहा जाता था? राजुक। तीसरा होगा युक्तक, युक्तक का मतलब होता था जिले का अधिकारी। इसका सही आंसर ए नंबर होगा। 80 नंबर, बिष्टी है, बिष्टी क्या थी? तो बिष्टी थी बेगारी। आगे देखेंगे 81 नंबर, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? तो मौर्य काल में सीता राजकीय भूमि से प्राप्त आए, क्या था? राजकीय भूमि से प्राप्त आए। वो राजकीय भूमि क्या थी? तो राजकीय भूमि जो होती थी उस पे दास, कर्मकारों, शूद्र एवं कैदियों द्वारा कृषि कार्य किया जाता था राजकीय भूमि पर। और मौर्य काल की बात करें तो मौर्य काल में कृषि विभाग की देख रेख जो करता था उसे सीताध्यक्ष कहा जाता था। आगे देखेंगे 82 नंबर, निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना क्या होगा? अस्तूप। 83 नंबर, कहां से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय राज द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो यह विवरण मिलता है महास्थान का और कालसी। 84 नंबर, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो वहां बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को भेजा था, यानी कि महेंद्र और संघमित्रा। 85 नंबर, अशोक के मनसेहरा जो कि पाकिस्तान में है, शाहबाज गढ़ी ये भी पाकिस्तान में है, से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो उसमें किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो वो होगा खरोष्टी लिपि। ए नंबर सही आंसर होगा, खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। 86 नंबर, कहां से अशोक के द्विभाषाई यानी कि ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो यह प्राप्त हुए हैं शेर ए कूना यानी कंधार से। आगे देखेंगे 87 नंबर, कौटिल द्वारा रचित अर्थशास्त्र
कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो यह 15 अधिकरणों में विभाजित था एवं 180 प्रकरणों में विभाजित था। 15 अधिकरण एवं 180 प्रकरण में विभाजित था अर्थशास्त्र। 88 नंबर, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे, तो इसमें सप्तांग में क्या शामिल थे? राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोष, ऑप्शन नंबर ए। 89 नंबर, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो यह राजा था मिस्र का, सही आंसर होगा ए नंबर, मिस्र का राजा था तुर्मय। 90 नंबर, किसने शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? किसके शासनकाल में आया था डायमेकस भारत? तो यह आया था बिंदुसार के शासनकाल में, सी ऑप्शन सही होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है 91 नंबर, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? तो अशोक का नाम किसमें उल्लेख हुआ है? गुर्जरा अभिलेख में। तो इस तरह से आज का सीरीज कंप्लीट हुए, मुझे आशा है कि आप लोगों को पसंद आएगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें एवं कमेंट करके बताएं हमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।